चलो ये नहीं लेना है ना आपको? हाँ नहीं मम्मा, और पापा परेशान हो जाएंगे, ये ऐसे ही रहने देती हूँ अब, पापा ठीक ने है? हमें एक टाइम एक बजे का टाइम बताया था, 1:15 हो गए। जान दो, जल्दी जल्दी करते हैं। बस अभी कल तो आना ही है, कल का फंक्शन अटेंड करके आना ही है, ये कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। चलो ये बैग पैक हो गई हमारी, और ये नहीं लेना है, ये हमारी बैग है, ये हम ये हम हैं, हैं, और ये और ये हमारी हमारी तैयारी तैयारी हो रही है। हो रही ये टॉयलेट रख देती हूँ। अरे यार निकलने के टाइम तक कुछ होता नहीं है। चलो हो गया, मास्क ले लिया, पास है। हाँ बैग में, सारे ले लिए ना। ये हाँ किसका है ऊपर वो एक्स्ट्रा मास्क बैग में? है, नहीं अभी अभी के लिए। चलो अभी के लिए बैग में चार्जर निकाल ले लेते। लूँ? हाँ ले लो। चलो दोनों भी चार्जर ले ले लूँ। अरे हाँ कोई बोल रहा था कि माही फोन यूज करती है क्या? तो नहीं माही फोन नहीं यूज करती है, मेरा फोन कभी कभी उसके पास रहता है। फोन सिर्फ वो यूज करती है किसके लिए? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कभी कभी ऑनलाइन क्लास उसमें लेती है ना फोन में, लैपटॉप जहाँ पे आया उसके तो निकालना तो ही यूज करती है फोन, नहीं तो हम लोगों ने फोन नहीं दिया है उसे। बच्चे फोन देते हैं तो फालतू में फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं और फोन में लगे रहते हैं इसी वजह से। चलो बस ले लो, हो गया। हो गया डन। चलो निकल दे, ये मास्क नहीं लेना है ना? नहीं। नहीं ठीक है। चलिए अद्वित ही टेस्ट होता था। चल ठीक है। चलो हो गया ये। हाँ चलो ये चाबी दे देना ना, गेट लगाना, मैं तो कर रहा हूं। गेट लगा लूं क्या मैं? अरे मैंने ये पहन भी लिया, एक मिनट ले लो आई कार्ड। चलो आप लोग अगर तीले दोले सही नहीं आज तू तीले दे। पानी लेना है क्या? पानी नहीं क्यों ना? नहीं दे फोटो जाने तक कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। माय दीदी आप पैंट घड़ी और आप ये पैंट और आप ये वॉच और ये आप टी शर्ट पैंट में अच्छी लग रही हो। थैंक यू, इतना बोलने के लिए इतना टाइम लगाया। लोगों ने ब्लैक ब्लैक पहना, कितनी धूप है यार, देखो धूप धूप देखो, ये इतनी देखो धूप है। मम्मा मैंने भी ब्लैक ब्लैक नहीं आपका ब्लू है, डार्क ब्लू है आपका, हम लोगों ने तो ब्लैक ब्लैक पहना है दोनों ने भी। और आपका तो ऊपर से नीचे तक ब्लैक है, मैं तो भी टी शर्ट व्हाइट और ब्लैक है। धूप में जाए तो अभी उधर गाड़ी में बैठना है और वहां पर ही उतरना है। चलो आपको किस लिए चाहिए? चलो हो गया आपका। चलो चलो अदी ना पीछे बैठोगे दीदी के पास? पीछे बैठ जाओ दीदी के पास। माँ बैग पीछे रख दो ना। हाँ तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से और जा रहे हैं मामा की शादी में। मास्क निकाल लिया मैंने, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मुझे, सांस नहीं ले पा रही थी मैं इसी वजह से। और हाँ
मतलब इतने परेशानी के बाद, इतने ये करने के बाद फाइनली जा रहे हैं, और ये थोड़े से गुस्से में है क्योंकि ये मना कर रहे हैं मुझे जाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि क्या है कि शादी वादी में अभी कोरोना का ये है और शादी में लोग आएंगे बोल रहे थे और वहाँ पर और प्रॉब्लम होगा, तो इसी वजह से अभी मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी वहाँ पर पहुँच गई है, मम्मी यहाँ से ही आने वाली थी, मतलब मेरे घर पर आने वाली थी पहले और फिर हम लोग वहाँ पर जाने वाले थे, बट मम्मी डायरेक्ट वहाँ पर चली गई, तो मुझे अभी इधर से जाना पड़ रहा है, और मम्मी यहाँ पर आती तो सही रहता वैसे, बट मम्मी वैसे ही डायरेक्ट चली गई, तो इस वजह से हमें ऐसे जाना पड़ रहा है अभी। और मम्मी, अरे यार मम्मी की बैग नहीं ली, ओ जाने दो, जब और जाएंगे तब मम्मी की बैग लेके जाएंगे, क्योंकि मम्मी पिछली बार आई थी ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपको पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उस टाइम ब्लॉग ही नहीं बनाई है, मम्मी आई थी उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और मम्मी बैग लेके आई थी और मेरी मतलब अचानक से बुआ की डेथ हो गई थी, तो मैं नहीं जा पाई उस टाइम, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी मेरी और इसी वजह से नहीं जा पाई, तो मम्मी ने बैग मेरे घर पे ही रख दी थी, अभी मम्मी ने बोला था कि बैग लेके आना, बट अभी मैं भूल गई बैग जल्दी जल्दी के चक्कर में, यार इनको ड्यूटी भी जाना है, और फिर अभी ग्लास किस लिए बोला था, तो अभी इनको ड्यूटी भी जाना है, हमें छोड़ के जल्दी से ड्यूटी जाना है, तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं बैग भूल गई वहाँ पे, और वहां पर पता नहीं अभी रहूंगी या नहीं, ये तो नहीं पता, मतलब ये बोल दे कि शादी में मत जाओ, अभी देखेंगे, कल के हल्दी है ना, तो इसी वजह से जा रही हूँ, कल के हल्दी अटेंड करूंगी और फिर हो सकता है तो फिर शाम को ही निकल आऊंगी, फिर परसों शादी में नहीं जाऊंगी क्योंकि इनका मन नहीं है भेजने का बच्चों के साथ मुझे। चलो चलते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पर सब लोग आए हुए हैं, मतलब मासियां वगैरह आई हुई है, जो मेरी 3-4 मासी है वो आई हुई है, तो इसी वजह से मेरा भी मन नहीं लग रहा था घर में और बच्चों का भी मन नहीं लग रहा था, माही तो बार बार उनके स्टेटस वगैरह देख के उसको लग रहा था कि कब जाएंगे हम लोग वहाँ पे। थैंक यू, आपको कुछ चाहिए क्या बेटा? नहीं मम्मा। नहीं? मैंने सोचा कि आप तारीफ कर रहे हो, इतनी तारीफ क्यों कर रहा है आज ये मेरी? हाँ ना यार, अजी आ बेटा, तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलता है? फिर तबीयत और बढ़ जाएगी, तबीयत और बढ़ जाएगी, ये क्या होता है तबीयत और बढ़ना? चलो अभी तारीफ करने से ऐसा होता है क्यों? पता नहीं बोलता है मन में। अरे इसका सिर क्यों दर्द कर रहा है पता नहीं, वो धूप की वजह से, धूप की वजह से मेरा भी दर्द कर रहा है बेटा, देखो कितना अभी एरिया जो है वो साफ है, मतलब ज्यादा गाड़ियां, हाँ सुनसान है, ज्यादा गाड़ियां नहीं दिख रही है, और धूप देखो कितनी ज्यादा है, इतनी धूप में यार कोई नहीं निकल पाएगा घर से, बाप रे बाप, गाड़ी में बैठी, गाड़ी इतनी तप गई थी ऊपर से, गाड़ी में बैठी एसी चलाने के लिए बोला इनको, ज्यादा घंटे का रास्ता नहीं है, कितने घंटे का रास्ता है, कितने घंटे का मीन्स आधा घंटे का, 30 मिनट का, आधा घंटे का रास्ता है, और हाँ बडनेरा पहुंचने वाले हैं हम लोग, बडनेरा से कौन कौन मुझे देख रहा है जल्दी से बताना कमेंट करके, और लोनी टाकड़ी हम लोग जाने वाले हैं, तो लोनी टाकड़ी से कौन कौन देख रहा है ये भी बताना मुझे, ये पानी की टंकी देख रहे हो, ये किसी से पहचान ली ये बताना, बडनेरा पहुंच गया हम लोग, अभी पहुंचने वाले रेलवे स्टेशन के पास में, मतलब रेलवे स्टेशन के रास्ते पे, उसके बाद थोड़े से ही घंटे पे, मतलब थोड़े से ही मिनट में वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, लोनी टाकड़ी आ जाएगा, रास्ते में ये वाले क्या बोलते हैं, तो संतरे की दुकान ऑरेंजेस संतरे की दुकान देखते हैं, और फिर आता है हमारा लोनी टाकड़ी। मेरा पहले ये था कि ये संतरे की दुकान अगर दिख जाते थे ना तो समझ जाती थी मैं कि लोनी टाकड़ी आने वाली है करके, और ज्यादा हम लोग लोनी टाकड़ी जाते नहीं थे ना, तो इसी वजह से जब भी संतरे की दुकान दिखते थे तब समझ में आ जाता था कि अभी लोनी टाकड़ी पास में ही है। ये आ गया हमारा लोनी, अभी टर्न करो, टर्न बस यहाँ से, बहुत ही छोटा सा गाँव है यार, बहुत ज्यादा छोटा गाँव है, मतलब कोई भी एक दूसरे को पहचानता होगा, यहाँ से अंदर चलो, उसके बाद अभी देखेंगे, अभी नहीं अगर पता होगा मुझे भी, मैं भी इतना नहीं आती हूँ ना, तो इसी वजह से मुझे भी इतना नहीं पता है, अब यहाँ से अगर कॉल करने की जरूरत पड़ी तो कॉल करना पड़ेगा। चलो अंदर, बस यहाँ पर इतना नहीं लग रहा है कोरोना वरोना का, फिर भी
बस यहाँ पर हम लोग आते ही सब लोग खाना खा रहे थे। एक्चुअली ये सब मेरी मामा की बेटियाँ है और ये मेरी मासी का बेटा है और बाकी भी सब मेरे मासी के बेटे हैं। वो ये दुपट्टा लेके है, वो मेरे मामा है और बस सब लोग बैठे थे यहाँ पे। यहाँ इनका खाना हो रहा था, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। एक्चुअली हम लोग घर से ही खाना खा के आए, इन्हें किसी को भी पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ करके। एक्चुअली इन्होंने आज ब्लैक डे था इनका, मतलब सभी ने ब्लैक पहना था और मुझे ये नहीं पता था कि सभी ने ब्लैक पहना है, बट मैं अचानक से ब्लैक पहन के आ गई। मतलब ऐसे ही, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे वार्डरोब में 99% कपड़े जो है वो ब्लैक है, इसी वजह से मैं हमेशा कभी नहीं कुछ सूझता है तो मैं ब्लैक ही पहन लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही ब्लैक पहन के आ गई थी, बट मैचिंग हो गया था सबसे। मतलब उन्होंने जाते ही मुझे बोला कि यार अच्छा किया आपने ब्लैक पहना है। और हाँ, यहाँ पर एक दूसरे की चुटिया बनाई जा रही है, ये सारी मेरी मासियाँ है और बस एक दूसरे की ऐसी ही टांग खींचते हैं ये लोग। जब भी मिलते हैं ना एक दूसरे की, ऐसी ही मतलब केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ऐसी टांग भी खींचते हैं। और ये देखो सब एक दूसरे की चुटिया बना रहे हैं। और यहाँ पर ना ऐसे ही हंसते हंसाते मजाक मस्ती में दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर आते ही इन लोगों की मस्ती मजाक स्टार्ट हो जाती है और इतना मज़ा आता है यहाँ पर, बट मैं बहुत कम आती हूँ यार। मतलब कभी टाइम ही नहीं मिलता है, इसी वजह से बहुत कम आती हूँ। ऐसे कुछ फंक्शन हो तो ही आना होता है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पर आना नहीं होता है हमारा। मतलब सब लोग मिलते हैं, सब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, अदरवाइज यहाँ पर ऐसे अकेले आना अच्छा नहीं लगता है इतना। बट कोई भी फंक्शन मैं मतलब मिस नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने सोचा चलो जाते हैं। और वैसे स्टेटस देख के तो और भी ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग आ गए थे और खाना खा के आए थे। बट इन लोगों ने इतना ज़्यादा फोर्स किया सबने कि खाना खाने के लिए बैठना ही पड़ा। और फिर हम लोग ऐसे ही बातें बातें करते बैठ गए। हम लोग कहीं पर भी मिलते हैं तो फिर ऐसे ही ग्रुप लगा के बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे ही चेयर डाल के। कहीं फंक्शन में भी मिलते हैं ना तो ऐसे चेयर्स वगैरह डाल के बैठ जाता है, फिर हमारी इधर उधर की बातें चलती रहती है। और मेरे यहाँ पे ना मम्मी के इधर की साइड में हो या पापा के इधर की साइड में, डांस के बगैर तो कोई पार्टी होती ही नहीं है। जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो बस डांस स्टार्ट हो जाता है। वैसे मुझे डांस नहीं आता है बट फिर भी इनके साथ हाथ कमर हिला लेती हूँ। बट मेरे मामा की बेटियों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा डांस आता है, वैसे मामी को भी बहुत अच्छा डांस आता है, आप देख लेना आगे। बहुत ही अच्छा डांस करती है मेरी मामी, ये ग्रीन साड़ी वाली मामी है, बड़ी मामी। इनसे आप पहले भी मिल चुके हो मेरे भाई की शादी में। और ये इधर वाली मेरी मासी है, बीच वाली मेरी मम्मी है, उसके बाद वो छोटी मासी है। अभी इनका डांस देख लीजिए आप और फिर मिलती हूँ आपसे। बस यहाँ पर डांस वगैरह हो जाने के बाद हम लोग निकले थे देवी के मंदिर जाने के लिए। मतलब ये कुछ रस्म में ही आता है, देवी की पूजा करते हैं सबसे पहले, वहाँ पर ओटी भरते हैं और उसके बाद आते हैं तो बाकी की चीज़ें, मतलब बाकी की रस्म स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी रस्म में ही आता है। और यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है माता का, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने पूजा वगैरह की और फिर हम लोग आ गए घर पे। एक्चुअली यहाँ पर ना एक और इंसिडेंट हुआ था तो वो भी आपको बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ना मधुमक्खी का छत्ता था मंदिर के अंदर, और हम लोगों ने क्या किया, जब मंदिर में पूजा वगैरह की उसके बाद हम लोगों ने अगरबत्ती लगाई, और अगरबत्ती जैसे ही हम लोगों ने जलाई ना, आप देख सकते हो वहाँ पर कोने में मधुमक्खी का छत्ता है।
और जैसे ही हम लोगों ने अगरबत्ती जलाई ना, वैसे ही वो मधुमक्खियाँ उड़ गई और उसके बाद जो हालत हमारी हो गई थी ना, वो देखने लायक थी। हम लोग जल्दी से वहाँ से निकल गए, अच्छा हो गया किसी को काटी नहीं मधुमक्खी, और हम लोग यहाँ से पूजा वगैरह करके जल्दी से निकल गए फिर। और इसके बाद बस घर पे चले जाएंगे, और घर जाने के बाद जो कुछ होगा वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि अभी इस ब्लॉग में ऐड करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ये ब्लॉग, इसी वजह से आपको सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद जो मैं जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और आपको इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।